श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये अमर ग्रंथ, ये पर्त, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पर्त, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरे राम यही हर जान यही, हरे राम यही हर जान यही, हरे राम यही हर जान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, मधुर बोल भगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर संत देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपनी जगह
जगह पे ही परिक्रमा लगा के ढोक लगा लीजिए, अपनी जगह पे घूम जाइए, भगवत जी को ढोक लगा लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि चेतानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवौ परिपूर्णं तदस्तु मे हे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। हरि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाव देहं तनुज वन प्रशानुं ज्ञानिनामाप्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे जुकोदास जन्म जन्म मोहिदी जियो श्री वृंदावन को वास। मोहन तेरे नौका के आकार और इनमें जो बैठ ले सुभव से है जाए पार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय।
गिरिराज धरणी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए बड़ी हर्ष का विषय है और बड़ी सौभाग्य का कि श्री धाम वृंदावन में बैठकर हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। जी हमारे भाग्य नहीं अहो भाग्य है, और एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो पाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जते। और देखिए हमारे यानी कितने जन्मों के भाग्योदय हुए तब हम कथा सुनने के लिए हमारे मन में उत्कंठा हुआ, और कथा सुनने के लिए हमारे परिचित जी ने स्थान भी कितना सुंदर निश्चित किया, श्री धाम वृंदावन। जिनकी कथा हम सुनने यहाँ आए हैं ये उनका क्रीड़ा स्थल है, यहाँ ठाकुर जी ने क्रीड़ाएं की। और श्री धाम वृंदावन में भी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मारा। इस परिक्रमा में हजारों संत रोजाना परिक्रमा लगाते हैं। एक बार मुक्ति ने भगवान से कहा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। भगवान से कहा कि प्रभु मेरी मुक्ति बताओ, मुक्ति कैसे होगी? तो ठाकुर जी ने कह दिया, पड़ी रहो जागेल में और साधु संत कड़ जाए, उड़े उड़े रज मस्तक लगे तेरी सहज मुक्ति है जाए। तो संतों के चरणों की रज जब मुक्ति के मस्तक पर लगती है तो महाराज मुक्ति का भी मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। तो हमारे कितने भाग्य सौभाग्य है कि श्री धाम वृंदावन में और ठाकुर जी के परिक्रमा मार्ग में बैठकर हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और कथा भी इस तरह श्रवण करें जैसे परिचित जी महाराज ने श्रवण किया, क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। मन में निश्चित कर लिया कि मुझे 7 दिन में ही ये धराधाम छोड़ के जाना है। तो देखिए 7 दिन में हम सबको जाना है। 7 ही बार होते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध, इन 7 बारों में सबको जाना है। तो कथा इस भाव से श्रवण करें कि जब हमारा बुलावा आए तो हम घबराएं नहीं, चिल्लाएं नहीं, तैयार खड़े हो जाए, प्रभु आप चाहे जब बुलावा भेज दो हम तैयार हैं। देखिए जिंदगी जीते सब लोग हैं लेकिन हर किसी को जीना आता नहीं, और मरते सब हैं लेकिन मरना आता नहीं। जीना उसी का सार्थक है जिसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। जीना उसका सार्थक है जिसको इस संसार में दोबारा जन्म न लेना पड़े, और मरना उसका सार्थक है जिसको संसार में आकर दोबारा मरना न पड़े। इसीलिए इसी भाव से एक कथा श्रवण करें कि प्रभु
हमें संसार सागर में अब नहीं रहना, आप अपने धाम में बुला लीजिए। ठाकुर जी कृपा करके जाने कब अपना लें, क्योंकि देखिए कहीं भी तीर्थों में कथा होती है तो सब लोग आते हैं, चलो कथा सुनेंगे, लेकिन कथा तो सुनने कम आते हैं कि भैया इस माने से खूब घूम के आए हैं। ठीक है, घूमना है तो सुबह शाम आप समय निकाल के घूमते रहिए, लेकिन दिन में कम से कम। हमारे गुप्ता जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, रहने के लिए बढ़िया रूम है, भोजन की व्यवस्था है, खूब खाओ लेकिन कथा श्रवण करो। ऐसा नहीं कि खा पी के कमरे में सो जाए या फिर महाराज घूमने निकल गए, तो कथा के समय कथा सुने और सुबह शाम जब भगवान के पट खुलते हैं तो दर्शन करें। तो हम प्रथम दृष्टि कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। सभी लोग तालियां बजाते हैं। Oh,
प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण ठाकुर जी को नमन करते हुए यहां पर विराजमान हमारे पाठकर्ता श्री हरिनारायण शास्त्री जी, उनके हृदय में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी लाल जी को प्रणाम करते हुए श्री सुनील शास्त्री जी, मनीष शास्त्री जी, संगीत वाले भाई और जितने भी यहाँ श्रोता बंधु परिचित परिचितानी जितने श्रोता बंधु यहाँ पर बैठे हैं, सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी लाल जी को मैं नमन करता हूँ। सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपान। देखिए यहां पर हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन भागवत श्रवण करने से होगा क्या? हर आदमी ये पूछता है, महाराज कथा कराने की इच्छा तो हमारी है, लेकिन कथा कराने से लाभ क्या होगा? इसका लाभ क्या है? होती क्या है भागवत? इसकी महत्ता कितनी है? महानता कितनी है? इन सब के बारे में जानना ही श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को जानना है। महात्मा किसे कहते हैं? किसी की महत्ता। जैसे कि हम यहाँ बराजे हैं और हमारे बीच में कोई बड़े प्रतिष्ठित संत आकर बैठ जाएं, लेकिन हम उनको जानते भी नहीं तो उनको प्रणाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके बारे में जानते नहीं हैं कितने महान हैं ये। लेकिन कोई व्यक्ति हमें आकर बताते, महाराज ये व्यक्ति बड़े महान हैं, इतने बड़े संत हैं, इनका ऐसा नाम है, तो तुरंत हम खड़े होकर उनकी सेवा में लग जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। जैसे कोई कहता ना कि फलाने नेता जी आ गए, सब लोग खड़े होकर दौड़ के जाते हैं, स्वागत करते हैं। तो जब तक हम उनकी महत्ता को नहीं जानते तब तक हम उनका सम्मान भी नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत के महात्म को जैसे कोई आदमी अपने मुख से प्रशंसा करे तो ये छोटी बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की महानता को
स्कंद पुराण ने भी गाया है, पद्म पुराण ने भी गाया है। अन्यत्र प्राणों में श्रीमद् भागवत की महानता के बारे में बताया गया है कि भागवत को सुनने से क्या होता है, किस फल की प्राप्ति होती है, ये क्या देने वाला है। क्योंकि जब तक हमें उसके उचित मूल्य की जानकारी नहीं होगी, हम उस चीज की रक्षा नहीं करेंगे। जैसे कि आपका किसी की अंगूठी से कोई हीरा निकल के गिर जाए और वो वही रोड पे गिर जाए, हम जानते नहीं हीरा कैसा होता है, तो हम वहां से हजारों बार निकल जाएंगे, उसको एक कांच का टुकड़ा समझकर छोड़ देंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वहां से कोई जौहरी निकल जाए तो वो जौहरी उसको छोड़ेगा नहीं, वो तुरंत उसको उठा लेगा। अरे ये तो हीरा है, इतना अनमोल है, क्योंकि वह उसकी महत्ता को जानता है, उसकी कीमत को जानता है। ऐसे ही जब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, किस फल की प्राप्ति होगी, और पहले किस किसने सुनी, उनको क्या क्या मिल गया, भगवान का स्वरूप कैसा है, क्या करते हैं, ये सारी बातें ही श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताई गई है। आइए हम सब लोग चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहां पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। किस लिए? वो सब लोग कभी ना समाप्त होने वाले सत्संग यज्ञ की इच्छा से वहां बैठे हैं, सत्संग करने की इच्छा से। उन सबकी सभा में 20 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। उन्हें देखते ही जो हजारों ऋषि मुनि बैठे थे, जिनकी आयु इतनी लंबी है महाराज कि उनके जीवन में हजारों बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग हजारों बार निकल चुके हैं। इतनी लंबी आयु उन ऋषियों की है, वो एक छोटे से 20 वर्ष के बालक को देखकर खड़े हो गए। तो सूत जी ने कहा, महाराज आप मुझे देखकर क्यों खड़े हुए हो, मैं तो छोटा बच्चा हूं, आप इतने बड़े हैं, मुझसे बुजुर्ग हैं। तो सोनकादि ऋषियों ने कह दिया, महाराज कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, और कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा हो। आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा माना जाता है। सोनकादि ऋषि विराजमान हैं, सूत जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले सूत जी ने भगवान के स्वरूप के बारे में बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद
कहते किसे हैं सत चित आनंद भगवान के स्वरूप हैं। हम बार बार कहते तो रहते हैं सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद भगवान, लेकिन समझते नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का नाम है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य केवल भगवान है। इस संसार में जब ये संसार नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, उससे पहले भी केवल सत्य भगवान था, और जब आज ये सृष्टि है, इस सृष्टि में जो कुछ कर रहा है, जो कुछ हो रहा है, वह सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इस समय भी सत्य भगवान ही है। हमारे अंदर, सबके अंदर वह परमात्मा ही विराजमान है सूक्ष्म रूप से। जब वह निकल जाएगा तो क्या बचेगा? घर वाले भी कहेंगे चलो महाराज ले चलो जल्दी जल्दी, तो बोले सत्य केवल परमात्मा है। संसार का विनाश होने के बाद भी केवल परमात्मा ही बचेगा। ब्रह्मा के रूप में भगवान सृष्टि को बनाता है, विष्णु के रूप में उसका पालन करता है, और शंकर के रूप में संसार की प्रलय करता है, श्रृंगार करता है। तो बोले सत्य केवल भगवान है। दूसरा चित, चित कहते हैं चैतन्यता को। बोले चैतन्य भी भगवान ही है, क्योंकि वो जब तक हमारे अंदर विराजमान है तब तक हम चल फिर रहे हैं, तब तक हम बोल रहे हैं। इस माइक को चलाने वाला भी भगवान ही है। इस माइक में कोई कहे भैया महाराज लाइट से चल रहा होगा, अरे लाइट को भी चलाने वाला तो कोई है कि भैया लाइट वैज्ञानिकों ने बनाई, तो वैज्ञानिक को बनाने वाला भी कोई होगा। जब हम इसके अंत तक पहुंचेंगे तो अंत केवल एक ही निकलेगा कि संसार को बनाने वाला और चलाने वाला भगवान ही है। चित चैतन्य सकल जग मान, सारे जगल में जगत में वही व्याप्त है। सत कहिए जो बिन सत नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता, सत्य उसी को कहते हैं। अरे आज हमें कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, तो क्या हम सत्य हैं? नहीं, नहीं, नहीं। सत्य वही है जो संसार में हमेशा रहे। सत्य कहिए जो बिन सत नाही, उसका कभी विनाश नहीं होता। चित चैतन्य सकल घट माई, और वो सारे जगत में सबके अंदर व्याप्त है चैतन्य रूप से। जब तक वो हमारे अंदर है, वह जैसा चाह रहा है, जैसी उसकी इच्छा है, वैसा हम बोलते जा रहे हैं। और जब वो चाहेगा बंद कर देगा बटन, तो एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। सबके अंदर चैतन्यता लाने वाला भी परमात्मा ही है। चित चैतन्य सकल जग माही। तीसरी बात है आनंद। सत चित आनंद, आनंद घट घट कर ही आनंदा, और ताकर नाम सच्चिदानंद। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंद भी भगवान के यहां है। हमने खूब सारा भोजन कर लिया, कह दिया महाराज आनंद आ गया, वो आनंद नहीं आया। हम संसार में किसी चीज को प्राप्त कर लें, पैसा प्राप्त कर लें, या धन ऐश्वर्य बल प्राप्त कर लें, हम कहने लग जाए महाराज बड़ा आनंद आ गया, तो खूब पैसा सब व्यवस्था है, ये आनंद नहीं है। क्यों? इस संसार पे एक बोट लगा हुआ है, दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है घर। इस संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं।
ये दुख का आलय है। तो सुख कहाँ है? बोले सुख तो केवल उस परमात्मा की शरण में ही है। भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद का सिंधु है महाराज। तो बोले भगवान भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरा बताया, अच्छा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है तो बोले कर्ता क्या है, भगवान का कार्य क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, वह ब्रह्मा के रूप में इस संसार को बनाता है, विष्णु के रूप में पालन करता है, उत्पन्न करना पालन करना, और शंकर के रूप में इसका संहार कर देता है, संहार करना। ये तीनों कार्य ही भगवान के हैं। अच्छा महाराज चलो ये तो मान लिए कि ये भगवान के कार्य हैं, लेकिन इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? हम कथा कराएं या कुछ करें तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? तो कहा, तापत्रय विनाशाय। वो तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। ताप कौन कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप किसे कहते हैं? भगवान ने हमें खूब रुपया पैसा दिया है, खूब धन संपत्ति है, लेकिन महाराज बीमारी ऐसी लग गई, डॉक्टर ने कह दिया है चुपड़ी रोटी मत खाना, नहीं तो बचोगे नहीं, घी नहीं खा सकते, महाराज चीनी मत खाना, शुगर है ज्यादा, हजारों रोग पैदा कर दिए महाराज, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हजारों बीमारियां भगवान ने शरीर में दे दी। ये क्या है? ये दैहिक ताप है। पैसा खूब है, कोई कमी नहीं, लेकिन अपने मन पसंद का भोजन भी नहीं कर सकते। दूसरा ताप है दैविक ताप। जैसे खेतों में बढ़िया सुंदर फसल खड़ी है और अचानक से महाराज ओलावृष्टि हो जाए, फसल नष्ट हो गई, दैविक ताप है। यहाँ हम बैठे हैं, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये देवी कृपा से हो जाए, वो दैविक ताप आता है, सब पर आता है। दैहिक ताप और दैविक ताप। और तीसरा ताप है भौतिक ताप। ये कैसे होता है महाराज? हम पे सारी व्यवस्थाएं हैं, सुख संपत्ति खूब है, शरीर भी सही है, लेकिन हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा पैसे वाला हो गया, तो बोले इस पे इतना पैसा कहां से आ रहा है? उसके सुख को देखकर हमारे अंदर ग्लानी होना, ईर्ष्या होना, यह होता है भौतिकता। दूसरे की हम देखिए, हम अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते। संसार में जो भी जीव हैं हमेशा दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं। ये खुश क्यों हैं? इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? इनके घर में इतनी समानता कैसे चल रही है? ये सब देखकर एक दूसरे से ईर्ष्या होना, ये होता है भौतिकता। तीन तरह के ताप संसार में होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। संसार में सबको होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। Oh,
तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीन तरह के ताप हैं, सबको होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से परेशान है, शरीर से। हजारों तरह की बीमारी बैठ गई शरीर में, कहीं पेट दर्द, कहीं सिर दर्द, कहीं कुछ दर्द, कहीं मारा शुगर हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कई थायराइड हो गए, बीमारियों का खजाना हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब कुछ बढ़िया है। माता पिता ने सोचा हमारा पुत्र बड़ा हो गया है, इसका बढ़िया सुंदर विवाह करेंगे, अच्छी लड़की देखेंगे खानदान से। लेकिन पुत्र चला गया और पड़ोस में किसी की लड़की लेके भाग गया। अब महाराज मन से दुखी हो गए, समाज में नाक काट दी इसने हमारी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। महाराज पूरे दिन काम करते हैं और शाम को मिले 1000 रुपए, अब उससे बताओ घर चलाएं, कि बच्चों को पढ़ाएं, कि सेविंग करें। आपने देखा होगा मजदूरों को, बेचारा हजारों मंजिल ऊंची ऊंची, कोई 10 मंजिल 20 मंजिल ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, सुबह से शाम काम करता है। अब उसको जब शाम को मिलेंगे 500 रुपए, उनसे वो क्या करेगा? गृहस्थी चलेगी उसकी, उसका घर बन पाएगा? दुनिया को घर में वो निवास करा रहा है, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बना सकता। कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुभैया सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं, लेकिन सुख तो केवल भगवान के दासों का, दासों को है। राम के दास कभी न होवे निराश, जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको संसार में कभी दुख नहीं घेर सकता, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा हम जिंदगी भर कमाते हैं तब कहीं जाकर ऐसे आयोजन कर पाते हैं। और संतों को देखा है जिनके शरीर पर एकमात्र लंगोटी होती है, और महाराज जब चाहे तब कथा बटाल देते हैं। यहाँ कथा हो रही है, कभी दिल्ली में हो रही है, कभी बंबई हो रही है, उनके पास कौन सी फैक्ट्री चल रही है महाराज? क्योंकि उनको भरोसा केवल भगवान का होता है कि ठाकुर जी हमारी व्यवस्थाएं करेंगे। हम अपने ऊपर लेके चलते हैं, हमारा पैसा हम ये करेंगे, हमारा कितना खर्च, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम सोचते हैं अपने ऊपर। तो भगवान कहते हैं भैया जब तू ही चिंता करने वाला है तू अपनी चिंता खुद कर। लेकिन जो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देता है, ठाकुर जी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। ठाकुर बांके बिहारी लाल जी तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जी को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। ठाकुर बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना है कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें, कथा को वही पूरा कराने वाले हैं, उसकी सारी व्यवस्थाएं वही चलाने वाले हैं, हम आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने गुप्ता जी के ऊपर बड़ी महती कृपा की कि उनको निमित्त बना के यहाँ बुलाया वृंदावन कि चलो आपके माध्यम से मैं कथा श्रवण करूंगा सुनूंगा। और उन्होंने ही हमको बुला लिया कि आप आओ हमको कथा सुनाओ। हमारी सामर्थ्य कहाँ है कथा सुनाने की? ये सब उनकी ही कृपा है कि वो जिससे चाहे जैसा कार्य करा सकते हैं।
करने कराने वाले केवल वही है। मैं करता नहीं हूं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं। भोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए किस किस का कार्य ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, सभी आगे आगे बताइए सभी, और ताली बजाते हुए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हरे लाल जय हो। तो करने कराने वाले केवल कन्हैया ही है। संसार में सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से। सुखी तो केवल भगवान के दास ही हैं। राम के दास कभी न होवे निराश। हमारे जितने भी स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, सभी यहाँ पर विराजमान हो, क्योंकि कथा में कोई विघ्न ना आए, इसीलिए गणेश जी को सबको बुलाना जरूरी है। और हमारे गुप्ता जी प्रार्थना कर लेना अपने पितरों से, भूले बिसरे जितने भी हों सब आ जाए। जिनको जानते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन नहीं जानते हैं भी गड़बड़ करते हैं बाद में, इसलिए सबको बुला के सब लोग आए और बैठ कर कथा श्रवण करें। दूसरे श्लोक में श्री जी महाराज ने सुखदेव स्वामी का नमन किया, तभी महाराज नेम से सूतमासीना मभिभाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शोनको अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारा मम कर्ण रसायनम। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज जब संसार में अंधेरा हो जाए तो एक सूर्य उदय के होते ही सारे संसार का अंधकार मिट जाता है। जब रात्रि होती है ना, सुबह जैसे सूर्य निकलते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है। लेकिन महाराज हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको ये सूर्य उस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। तो बोले महाराज ऐसी कृपा कीजिए हे सूत जी महाराज कि हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए आपके पास आप गुरुजी से प्राप्त है करोड़ों सूर्यों के समान अथाह ज्ञान का भंडार आपके अंदर है। उसमें से एक ज्ञान रूपी किरण हमारे हृदय पटल पे भी डाल दीजिए, जिससे कि हमारे हृदय का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाए। महाराज कथा मृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवी। और बोले महाराज हमको आप कथा सुनाइए लेकिन सार सार में भक्ति ज्ञान विराग। तो जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो और वैराग्य देने वाली हो, आप ऐसी कथा में सुनाइए जो विवेक माया मोह निराशस्य विवेको वर्धते महान। जो माया और मोह है, अपनों के प्रति माया होती है, मोह अपने जो अपने रिश्तेदार हैं, पति है, बच्चे हैं, उनसे माया मोह होता है। इस सब का निवारण कर दे माया मोह निराशस्य विवेको वर्धते महान। विवेक का वर्धन करे ऐसी आप कथा हमें सुनाइए। और महाराज सार रूप में सुनाइए, केवल सार सार, क्योंकि अनेकों धर्म शास्त्र हैं, कितने शास्त्रों को हम सुनेंगे। आप तो केवल सार सार हमको सुना दीजिए, क्योंकि महाराज आपको अपने गुरुदेव के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त है
कि आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, चिंतामणि के समक्ष हम बैठ जाए, चिंतामणि के अंदर जो सामर्थ्य है, आप उसके पास बैठकर जो चिंतन करोगे वो उस चीज को प्रकट कर देगा, वो चीज को प्रकट कर देगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो कल्पना करोगे वो उसको प्रकट कर देगा। लेकिन उन दोनों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर बांके बिहारी लाल जी को वो प्रकट करके आपके सामने खड़ा कर दे, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो सोनकाद ऋषि कहते हैं कि आपको आपके गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसी कृपा प्राप्त है कि आप हमें ठाकुर जी के दर्शन करा सकते हैं। चिंतामणि लोक सुखम स्वरद्रुह स्वर्ग पदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। आप हमें वो ठाकुर जी का वैकुंठ के दर्शन करा सकते हैं, बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरुदेव की पूर्ण कृपा है, पूर्ण आशीर्वाद है। क्योंकि जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, सब सुलभ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। गुरुदेव कृपा करके हमें ठाकुर जी से मिला देते हैं। तो बोले महाराज आप हमको कथा का सार सार सुनाइए। सूत जी ने कहा, बोले भैया आप लोगों का मेरे प्रति इतना स्नेह है, प्रेम है, तो मैं आपको बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराऊंगा, आप लोग सावधान होकर सुने। देखिए जब कोई बत्ता कोई विशेष बात कहने को होता है तो सावधान करता है, भैया सावधान, ये बात गौर से सुनना। तो यहां सूत जी महाराज ने कह दिया सावधान तया श्रणु, सावधान होकर सुनो। बोले संसार में केवल एक ही भय है, एक ही डर है हम सब को। काय का डर है संसार में? डर किस चीज का है सबको? मृत्यु का। हम किसी से भी पूछ लें कितना भी व्रत हो, बोले भैया मरोगे तो लड़ने दौड़ पड़ेगा, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी हमें मारने की, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन महाराज मरना सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है, इस संसार का नाम ही है मृत्यु लोक, सबको मरना है। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसार, जो प्रतिक्षण सरकता रहता है, जैसा कल था वैसा आज नहीं है, जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। हम आज जैसे हैं एक महीने बाद नहीं रहेंगे, क्यों? प्रतिक्षण सरकते जा रहे हैं। ध्यान दो, हमारी हालत कैसी है? जैसे एक बहुत बड़ा अजगर है, अजगर सर्प, उसके मुंह में हम सब लोग बैठे हुए हैं, उसने मुंह खोल रखा है, हम लोग बैठे हैं। अब बताइए हम लोग कब तक जीवित हैं, कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वह अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता तब तक ही जीवित हैं।
तो बोले महाराज जैसे ही वो अजगर मुंह अपना मुंह बंद करेगा हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। हम सब लोग काल के ब्याल में काल ब्याल रूपी जो अजगर है उसके मुंह में बैठे हुए हैं। सबको जाना है लेकिन पता नहीं कब। जब वो अजगर मुंह बंद करेगा तुरंत गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्यान दें, इस संसार में हम सब लोगों को मरना है, सबको जाना है। बोले महाराज तो इससे बचने का उपाय तो होगा, संसार में केवल एक ही दुख है मरने का, तो ले इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ भैया, जब सात दिन में मरने की श्राप परिचित को लगी वो सब कुछ त्याग करके यमुना किनारे गंगा किनारे आकर बैठ गए। वहां पर सुखदेव स्वामी ने आकर उनको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौकीरेण भाषितम। मृत्यु से अगर अभय चाहते हो, भयमुक्त होना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण को ग्रहण कर लो, यह मृत्यु से अभय देती है। देखिए जिंदगी जीने का तरीका हमें रामचरितमानस सिखाती है। जीना सीखना है तो रामचरितमानस से सीखो, अगर मरना सीखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखो। मरना किसे कहते हैं? और महाराज देखिए भागवत कहते किसे हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भगवान के मुख की वाणी है। इसके जो अक्षर है ना श्यामल काले काले, ये अक्षर कुछ अलग नहीं, इसमें भगवान की श्यामलता ही समाई है। हमारे ठाकुर जी श्याम रंग के हैं ना, तो उनका रंग ही इन अक्षरों के रूप में इस पुस्तक में चिपका दिया गया है। तो बोले महाराज भागवत भगवान की ही मुख्य वाणी है। बोले भगवान ने कब कहा? बोले हाँ, सबसे पहले जो सृष्टि का जब संसार नहीं बना था तब भगवान ने चार श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने उन चार श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए और उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई और सुखदेव ने राजा परिचित के माध्यम से आज हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये मन की कथा नहीं है, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो बोले महाराज भागवत से होता क्या है? तो यहां सूत जी महाराज कहते हैं भैया भागवत कहने से ही हमारे जीवन में वैराग्य आ जाता है। भाग्य कहते भाग्य उदय होत जीवन के। भागवत में चार अक्षर हैं भागवत, तो केवल भाग्य कहने से क्या होता है? भाग्य कहने से भाग्य उदय होत जीवन में और वाक्य कहते बैराग्य हो जाते हैं। भाग्य कहते भाग्य उदय होत जीवन में
और काके कहें से गुमान उड़ जात है अभिमान भाग और पाके कहें से बैराग होत और ताके कहें से त्रिताप मिट जात है। यह है भागवत का अर्थ। केवल भागवत कहने से ही मात्र श्रीमद् भागवत इतना कहने में ही ये चार चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो बोले जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे उसी समय वहां पर अमृत का कलश लेकर देवता पधारे। सुधा कुम्भम गृहीत्वेव देवास्तत्र गम तथा देवताओं ने आकर कहा सुखदेव स्वामी से, बोले सुखदेव जी ये अमृत राजा परिचित को पिला दीजिए क्योंकि इनको सात दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने देवताओं को बुलाया नहीं और बिना बुलाए ये देवता आए और फायदे की बात कर रहे हैं परिचित की, तो ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, ये कभी दूसरे का फायदा करा नहीं सकते और आज परिचित का फायदा कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है? क्योंकि जब कद्रु अभिनेता तो बहने थी सगी बहने, कद्रु थी सर्पों की माता, तो सर्प होते हैं उनकी माता, बनिता थी गरुण जी की मां। एक दिन कद्रु अभिनेता में होड़ लगी, उस होड़ में बनिता हार गई, तो उस शर्त के अनुसार बनिता को कद्रु की दासी बन के रहना पड़ता था। जब माँ दासी है तो पुत्र को तो दास बनना ही है, तो गरुण जी भी सर्पों की दासता करते हैं, उनके दास बन के रहते थे। सारे सर्प आकर गरुण जी के ऊपर बैठ जाते, कहते महाराज उड़ो, तो गरुण जी उड़ने लग जाते। एक दिन गरुण जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इतना बलवान हूं लेकिन ये छोटे छोटे सर्पों की मुझे सेवा करनी पड़ती है, क्या करूं कि जिससे कि मुझे इनकी दास्ता नहीं करना पड़े? तो माँ ने कहा, बेटा मैं भी चाहती हूं कि तू इनकी सेवा न करे, लेकिन उपाय बहुत कठिन है। गरुण जी ने कहा, बताइए माँ, मैं जरूर करूंगा। तो कहा, बोले बेटा तुम जाकर अमृत लाकर ला सकते हो क्या? स्वर्ग से अमृत लाकर हम कद्रु को दे देंगे तो ये हमें आजाद कर देंगे। गरुण जी गए स्वर्ग में, इंद्र से अमृत मांगा तो महाराज इंद्र लड़ने के लिए तैयार हो गए, अमृत देने को लिए तैयार नहीं थे। युद्ध किया, गरुण जी ने बलपूर्वक अमृत को छीन लिया, तो इंद्र ने कहा, बोले क्या करते हो गरुण जी? आप ये अमृत ले जाकर सर्पों को पिलाओगे तो जितने भी सर्प हैं अमर हो जाएंगे, संसार में त्राही त्राही मच जाएगी, इसीलिए ये अमृत आप सर्पों को मत पिलाइए। तो महाराज दोनों में समन में हुआ, लाकर वह कलश जैसे ही गरुण जी ने कद्रु को दिया, इंद्र आए और कलश को छीनकर लौट गए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, कहने का भाव है कि जब जरूरत पड़ी, गरुण जी मांगने गए तब ये लड़ने के लिए तैयार हो गए, आज बिना मांगे दे रहे हैं, क्या कारण है?
तो महाराज तभी देवताओं ने कह दिया कि महाराज आप इनको अमृत पिला दीजिए, लेकिन बदले में श्रीमद् भागवत की कथा हमको श्रवण करा दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। जैसे उन्होंने कहा कि आप हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दीजिए इसके बदले में, तुरंत सुखदेव स्वामी हंसने लगे, अरे ठगिया हो, मैं समझ गया तुम बिना मतलब के तो कभी अमृत दे नहीं सकते, क्योंकि आप ददीची मुनि के पास गए प्रणाम करने, उनकी हड्डी मांग लाए, आप इतने स्वार्थी हैं, इसीलिए अगर आप लोग साधारण श्रोता बनकर आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, लेकिन आप तो बड़े के बनकर आए हो, आप तो अदला बदली करने आए हो, क्योंकि आप श्रोता बनकर आते जरूर सुनाता, आप श्रोता बनकर नहीं आए, आप तो व्यापार करने के लिए आए हो, इसलिए फटकार कर उन्हें भगा दिया। अब देखिए यहां सुखदेव स्वामी ने देवताओं को फटकारा क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण और अमृत में तुलना करते हैं, अमृत कोई साधारण चीज तो है नहीं, देवासुर भयंकर संग्राम हुआ जिसके लिए, समुद्र मंथन हुआ उस अमृत के लिए, तब जाकर वह प्राप्त हुआ, और महाराज वह अमृत देवताओं के पास रहता है। जब हम बहुत सारे सुकृत पुण्य करते हैं, पुण्य करने के बाद जब हम स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब वहां पर हमको वह अमृत मिलता है पुण्य करने वालों। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहां किसी के लिए मना किया है क्या कि कोई आए नहीं? चाहे कोई पुण्यात्मा हो पुण्य करने वाला हो, चाहे पापात्मा हो पापी हो, चाहे दुरात्मा हो कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई भी आए कथा सुने, किसी के लिए मना नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक प्याऊ है। तो महाराज स्वर्ग का अमृत केवल पुण्यात्माओं को मिलता है, पापात्मा को नहीं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं वो पक्षपात करता है, जो केवल पुण्यात्मा को दे रहे हैं तो ये पक्षपाती है अमृत। दूसरा बोले जब अमृत हमको पिलाया जाता है तो अमृत को पीकर वहां हम स्वर्ग में निवास करते हैं, धीरे धीरे हमारे जब सुकृत पुण्य नष्ट होते होने लगते हैं तो महाराज छीणे पुण्य मृत्यु लोको विशन्ति। जिस भी जीव को स्वर्ग में अमृत पिलाया जाता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है, वह माला कब तक हरी भरी रहती है? जब तक हमारे पुण्य हैं, क्योंकि हम ज्यादा पुण्य करेंगे तभी तो स्वर्ग जाएंगे, जब तक पुण्य रहेंगे तब तक वह माला हरी भरी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वह माला सूखने लग जाती है, तो समझ लो अब हमारा समय आ गया है। हमारे सुकृत पुण्य जैसे ही समाप्त हुए फिर वहां से टक्का दिया जाता है, जाओ छीणे पुण्य मृत्यु लोको विशन्ति, द्वारा संसार में ढकेल दिया जाता है, फिर जन्म लेना, फिर पुण्य करना, फिर जाना। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या करती है, इसको सुनने के बाद ये आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाता है, फिर संसार में दोबारा आना ही नहीं पड़ता। प्रभु को भजे सो प्रभु को होई, भगवान के ही हो जाते हैं,
संसार में फिर दोबारा आते ही नहीं है। तो बोले महाराज तीसरी बात, अगर देवताओं के पास अमृत ज्यादा होता तो महाराज जब निकला था तब केवल एक घड़ा निकला था, एक घड़ी में निकला था समुद्र में से, समुद्र मंथन हुआ, मात्र एक घड़े में अमृत निकला था। और आज तक वो सही सलामत रखा है, क्यों? क्योंकि देवता उसको पी नहीं रहे क्या? अरे भैया अगर पीते होते तो अब तक खत्म हो गया होता, वो पीते थोड़ी है, वो सूंघ कर ही काम चलाते। स्वर्ग का अमृत हमारे सुकृतों को छीण करता है और श्रीमद् भागवत कथामृत महाराज कलमशाप हम इस संसार सागर से हमें अभयत्व प्रदान कर देता है, संसार में द्वारा आना नहीं पड़ता। ये हमारे पापों का विनाश करता है और स्वर्ग का अमृत हमारे पुण्यों का विनाश करता है। और देवता लोग पीते पिलाते हैं नहीं, सूंघ कर ही काम चलाते हैं। कैसे? महाराज तीन मित्र थे, बड़े ही कंजूस स्वभाव के। एक बार तीनों बाजार में मिल गए। एक ने कहा, बोले भैया दुनिया वाले हमसे कहते हैं हम बड़े कंजूस हैं, अब की बार कुछ खर्च किया कर लिया जाए। तीनों बाजार गए महाराज और बाजार से 500 ग्राम तीनों ने घी खरीदा, केवल 500 ग्राम 500 ग्राम तीनों ने खरीदा। और महाराज उस घी को लेकर तीनों अपने घर आए। एक महीने बाद तीनों का मिलन ना हुआ दोबारा से। तो एक मित्र ने पूछ लिया, अच्छा भैया तुम्हारा घी चल रहा है कि खत्म हो गया? तो दूसरे ने कह दिया, भैया मेरा घी तो अभी चल रहा है। तो पहले वाले ने पूछा, अच्छा बताओ तो तुम कैसे घी खाते हो? तो उसने कहा, महाराज हम सारे घर की रोटी बनवा लेते हैं पहले, और रोटी बनवा के एक रोटी ऊपर की चुपड़ ली, एक रोटी नीचे की चुपड़ ली, और सारी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ के खा लेते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। उसने कहा, भैया ये कंजूस मिले हैं तीनों? तो उस कंजूस ने कहा, अच्छा तो तू बहुत खर्च करता है भाई, इतना खर्च करता है? तो उस पहले वाले ने कहा, अच्छा तू ये बात बता, चल मैं खर्च करता हूं, तो तू कैसे घी खाता है? उसने कहा, भैया पता है मैं क्या करता हूं, सारे घर की रोटी बनवा के रख लेता हूं और एक लोहे की सलाखा ली है मैंने, स्याही सीख लोहे की, वो घी में डुबो लेता हूं और घी में डुबोकर रोटियों के बीच में चुबा देता हूं, ऊपर से नीचे तक सारी रोटियों में छेद करते हुए वो सीख चली जाती है महाराज, सारी रोटियों में घी लग जाता है, बड़े प्रेम से खाता। तो तीसरे ने कहा, अरे भैया तू तो बहुत खर्च करता है। उसने कहा, अच्छा तो तू कैसे खर्च करता है तू बता। तो तीसरे ने कहा, भैया पता है मैंने क्या किया है, मैंने अपने घी को एक प्लास्टिक की बोतल में बंद कर रखा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती है ना तो इस प्लास्टिक की बोतल को लेकर रोटियों पे घुमाता जाता हूं, रोटियों पे घुमाता रहता हूं, और जब खाने का नंबर आता है तो ढक्कन खोल देता हूं, वो सुगंध आती है महाराज, समझ लो सुगंधी से ही मैं तर हो जाता हूं। तो भैया सुगंधी से जब पेट भर रहा है तो खाने की क्या जरूरत है? तो देवता भी अमृत को पीते नहीं, नहीं तो अब तक खत्म हो जाता, क्योंकि एक कलश में मिला था, वो केवल सूंघकर ही काम चला रहे हैं। तो बोले भैया कथामृत कलमशाप हम हमारे पापों का विनाश करती है
और सुदामृत जो अमृत है वो हमारे पुण्यों का विनाश करता है, छीने पुण्य मृत्युलोको विशंति, इसीलिए फटकार कर भगा दिया सुखदेव स्वामी। अब महाराज देखिए, देवता लोग रोते गाते पहुंच गए भगवान के धाम में। बोले महाराज सुखदेव जी ने हमको फटकार के भगा दिया, कथा सुनने नहीं दी। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हमारे बड़े भाग्य हैं कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं, देवताओं को इसमें आने की अनुमति नहीं है। महाराज जब इस धराधाम को छोड़कर मेरे राघवेंद्र सरकार जा रहे थे अयोध्या से, सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर जा रहे थे, वहां के चींटी बंदर भालू जो भी थे सबको अपने साथ ले गए। राम जी विमान में बैठे हैं सरयू जी के ऊपर, तो राम जी ने देखा कि सब लोग बैठे हैं विमानों में, मेरा हनुमान नहीं दिख रहा, मेरा हनुमान कहाँ है। तो नीचे देखा सरयू जी के किनारे हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो राम जी ने कहा, क्यों हनुमान तुम नीचे क्यों खड़े हो, अरे बैठ जाओ विमान में, तुम्हें चलना नहीं है क्या हमारे धाम। हनुमान जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपके धाम में तो चलता लेकिन आपके धाम में आपकी कथा मिलेगी। राम जी ने कहा, भैया वहां कथा कैसे मिल जाएगी, वहां कोई कथावाचक ही नहीं है। लेकिन हनुमान कथा का क्या करोगे, अरे तुम जिनकी कथा सुनना चाहते हो वो प्रभु हम वहां तुम्हें सुलभ मिलेंगे, हम तो हैं वहां, कथा का क्या करना। हनुमान जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो सदैव मेरे हृदय में विराजमान हैं, जा सुहृदय आगार बसहु राम सर चाप धर, आप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं, लेकिन मैं तो प्रभु राम कथा सुनी भी को रसिया, मैं तो आपकी कथाओं का रसिक हूं, अगर आपकी कथा वहां मिलेगी तो जाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया कथा तो वहां नहीं मिलेगी। तो बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे ही देखिए, ये कथा वहां नहीं मिलने वाली, देवताओं को भी दुर्लभ है, हमें मिल रही है, हम लोग बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रवण करें। कबीरदास जी के लिए बुलावा आया, राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, राम जी का बुलावा आया तो कबीर जी रोने लगे, राम बुलावा देख के दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए, ये बैकुंठ में मिलने वाले नहीं महाराज, सब कुछ मिलेगा। सुत तारा और लक्ष्मी पापी हुए घर होए, कितना बड़ा पापी हो उसके घर में लक्ष्मी मिल जाएगी, खूब पैसा होगा, पुत्र होंगे नाती पोते खूब होंगे, सुतदारा महाराज पत्नी भी होगी, लेकिन संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो, त्रिधाम वृंदावन में कथा हो रही है, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। और महाराज गुप्ता जी का बड़ा सौभाग्य है, और ठाकुर जी ने इनको कृपा कर दी कि आप हम सब लोगों को बैठकर यहां कथा श्रवण करा रहे हैं। देखिए मैं भी कथा सुना नहीं रहा, सुन रहा हूं बैठकर, सुनाने वाला ठाकुर जी है, वो जैसा भी कह रहा है हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इनको निमित्त बनाकर। संत समागम हरि कथा
और तुलसी दुर्लभ दोए। अब यहां जैसे ही देवता ब्रह्मा जी के पास रोने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, रुक जाओ, चलते देखो इससे, इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित का क्या परिणाम निकलता है। जब 7 दिन बाद परीक्षित का मोक्ष हो गया तो महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने एक तराजू मंगाया, तराजू के एक पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पल्ले में अनेक धर्म शास्त्रों को रखा। जैसे ही तोला तो जो भारी होगा वो नीचे झुक जाएगा, हल्का होगा ऊपर उठ जाएगा। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पल्ला था वो पृथ्वी पर झुक गया, अन्य धर्म शास्त्रों को जो पढ़ रहा है वो आकाश में चला गया। लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षिगणा सर्वे विस्मयं परमञ्जय। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहां स्वर्णकाल कश्यपों ने कहा, बोले महाराज ये कथा इतनी अच्छी है तो ये फिर ये 7 दिन में ही क्यों होती है? अरे इतनी सुंदर कथा है, इस कथा को तो सालों तक सुनना चाहिए। ये 7 दिन में सुनने की नीति कब से चालू हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से बैठे थे कि चलो सत्संग का श्रवण करें, कथा का श्रवण करें। ये चारों भाई कैसे हैं? जो केवल भगवान की कथा सुनना ही इनका आहार है, भोजन है। एक भाई कथा सुनाता है तो 3 भाई बैठ कर सुनते हैं, फिर वो थक जाता है दूसरा सुनाने लग जाता है, फिर वो 3 लोग सुनने लगते हैं। चारों भाई केवल कथा सुनने की इच्छा से घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायात तदृष्टो तत्र नारद। चारों भाई कथा सुनने की इच्छा से बैठे थे तभी सामने से उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा, बड़े खुश हुए, चलो नारद जी आ रहे हैं तो महाराज कथा सुनाएंगे, कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन तभी देखा कि नारद जी एकदम खिन्न मना है, उनके मुख पर बड़ी चिंता की लकीरें हैं। तो महाराज सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया, कथं ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंता तुरो भवान परितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनो तव। अरे ब्रह्मन आपका स्वागत है, आप आए हो, लेकिन इतनी चिंतातुर क्यों है? क्या बात है? क्योंकि चिंता अच्छी नहीं होती। चिंता चिता के समान है और गुण के समान लग जाती है, जिंदे को चिंता खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या बात है? क्योंकि आप तो संत हैं, आप इतनी चिंता तुर क्यों हैं? और हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोभी हो, कृपण, उस कंजूस आदमी का कोई धन चोरी करके ले जाए तो वो चिंता तो होता है, ऐसे आप चिंता तो हो रहे हैं। इदानी सून चित्तोषी गतवित्तो यथा जन। महाराज आपका क्या चोरी हो गया? क्योंकि आप तो मुक्त संघ हैं,
जीवन में एक कुटिया भी आपने नहीं बनाई, सदा विचरण करते रहते हैं। बताइए क्या बात है? तो नारद जी ने कह दिया कि मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। तो बोले मैं अपना पूरा दुख का कारण बताता हूं। देखिए संत कभी अपने दुख से दुखी होता ही नहीं है। संत हमेशा संसार में हो रहे अत्याचार दुख से दुखी होता है। तो यहां नारद जी ने कहा, बोले मैं सत्संग की इच्छा, सत्संग करने की इच्छा से संसार में घूमा, चलो सत्संग करेंगे, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्य पुत्र शर्म मन संतोष कार, कहीं भी मन में शांति नहीं मिली। महाराज सारे भूमंडल में घूमा, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र त्रिरंग सेतु वंदन, जब संसार में घूमने से मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो संतों के यहां शांति नहीं है। अरे महाराज यहां तक वृंदावन में तो कहावत है कि महाराज जी ये बताइए ये आश्रम इतना बड़ा आश्रम बना है किसका बना है? बोले त्यागी बाबा का। जो त्यागी बाबा ही हैं, त्यागी कर दिया उनके आश्रम बने हैं। और हल्ला कहां हो रहा है भैया? कहीं झगड़ा हो रहा था, इतने जोर से आवाज कहां से आ रही है, हल्ला कहां हो रहा है? बोले मौनी बाबा के यहां, जो बाबा मौनी उनके यहां हल्ला हो रहा है। ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? ब्रह्मचारी बाबा के। तो बोले महाराज संतों के यहां भी शांति नहीं है। ना पश्य पुत्र शिष्य मन संतोष कार, कहीं भी शांति नहीं मिली। तो महाराज मैं सीधे गृहस्थियों के यहां पहुंच गया, चलो यहां इनके यहां शांति होगी, उनके यहां ही बड़ी विडंबना है। महाराज पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है आपस में, और तरुणी प्रभु तागे श्याल को बुद्धिदायक। पहले जमाने में घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वह मालिक होते थे, जो कह देते वही होता था। लेकिन आजकल तो नई बहुओं की चलती है, घर में नई बहू की चलती है, जो नई बहू कह दे वही सबको करना पड़ता है, बड़ी विडंबना है। तो किसी ने कह दिया अच्छी बात है भैया, नए जमाने की मॉडल बहू है, नई नई नीतियां सीखी आई होगी, उसे पूछना चाहिए। तो कहा, बोले भैया चलो कोई बात नहीं, नई बहू से सलाह कर रहे हो, उसकी मालकी करवा रहे हो, ठीक है, लेकिन घर में कोई बड़ा कार्य करें, जैसे भागवत कथा करनी है या कोई विवाह करना है, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम तब तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लो। देख उस समय भी नहीं पूछते, उस समय किसे पूछते हैं? श्याल को बुद्धिदायक। उस समय सलाह करने के लिए अपने साले जी को बुला लिया जाता है, आ जाइए हम सलाह करनी है। जो सलाह घर में बड़े बड़ों से करनी है वो अपने साले से करते हैं। लेकिन महाराज एक कहावत है, दीवारे बिगारे यारो और घरे बिगारे कोई बेटा हो तो ना बुरो ना माने। तो बोले महाराज घर में ज्यादा दीवार में ज्यादा आले निकालोगे ना तो वो दीवार खराब हो जाती है, और घर में साले जी की ज्यादा सलाह लोगे तो वो घर भी खराबी हो जाता है। और बोले महाराज ये सब देखते देखते कन्या विक्रयणों लोभा, संसार में बड़ी त्राही मची हुई थी, लोग अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं। पहले संबंध होता था, हम अपनी बच्ची की शादी करने जाते थे तो हम देखते थे कि जो लड़के के पिता हैं, जो लड़के घरवाले हैं, वो हमारे लायक हैं कि नहीं, किसमें
संबंधी जो बुद्धि में हमारे बराबर हो, जो हमारी तरह ही जिनका रहना हो, खाना पीना हो, जो हमारी तरह ही हम अगर पूजा पाठ करने वाले तो पूजा पाठ करने वाले हो, सारे विचार हमारे मिल जाएं, उसे कहते हैं संबंधी। लेकिन आजकल विचारों की कोई बात नहीं आ रहा है। आजकल तो जहां सौदा पट जाए वहीं संबंधी, जहां सौदा पट जाए तो कन्या विक्रयणों लोभा क्रय विक्रय करते हैं। बोली लगती है महाराज 5 लाख देंगे, लड़का वाला कह रहा है 15 लाख चाहिए। और संसार में संबंध नाम की चीज ही नहीं रही, बच्चों का क्रय विक्रय होने लगा है। और दंपति नाम चकलकन, इतने के भी बाद भी महाराज पत्नी पत्नियों पति पत्नी में महावारा चढ़ा है, लीला टीढ़ी डंडा, पति पत्नी भी शांति से नहीं रहते, आपस में झगड़ा होगा। ये सब देखते देखते मैं जब मेरे मन को शांति नहीं मिली तो श्रीधाम वृंदावन में आया। मैंने सोचा चलो यहां पर ठाकुर जी अपनी लीला स्मरण करके चले गए हैं, यहां तो मेरे मन को शांति मिलेगी। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आया तो मैंने यहां पर एक कौतुक देखा। यमुना किनारे एक स्त्री बैठी थी, उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, हजारों स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हैं, पंखा सेवा कर रहे हैं। मैंने सोचा ये स्त्री रो रही है, जाकर इससे पूछूं कारण क्या है। फिर मन में आया नहीं, देखिए संतों को स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं पूछने लग जाए अरे बाबा जी तुम कहां चले आ रहे हो। इसीलिए मैं कुछ दूर तक गया, फिर लौट कर आ गया तो महाराज तभी उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वता गहिरम परम। बोले अरे महाराज जी रुक जाइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। मैंने पूछा देवी आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा मैं हूं भक्ति और ये दो वृद्ध पुरुष हैं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। मुझे बड़ा कौतुक हुआ कि माँ जवान है और पुत्र वृद्ध हैं, ऐसा क्यों? तो उसने कहा बोले महाराज उत्पन्ने द्रविड़ाशां वृद्धि कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, गुजरात में आकर जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई मैं जवान हो गई, लेकिन श्री धाम वृंदावन में मेरे पुत्र बुढ़ापे को प्राप्त हो गए, वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में तो महाराज भक्ति मैया का ही बोलबाला है, जिस गली में जाओगे राधे राधे, ज्ञान वैराग को पूछने वाला कोई नहीं। तो नारद जी ने कहा बोले देवी आप चिंता मत करो, आपके पुत्रों का बुढ़ापा मैं दूर करूंगा। महाराज नारद जी ने खूब उनको जगाया लेकिन ज्ञान वैराग नहीं जगे। तो नारद जी ने गीता पाठ सुनाया, अनेक धर्म शास्त्रों को सुनाया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो नारद जी ने कह दिया देवी चिंता मत करो, घर घर कर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे कुछ त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। उन्होंने अपनी दासता को महाराज आज दासता को चुनौती पे लगा दिया। अगर मैं अपने आपके पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं कर पाया तो भगवान का दास नहीं। अनेक यत्न करने के बाद जब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो आज
नारद जी एकदम उदास हुए, तभी आकाशवाणी हुई कि महाराज आप सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है, तो आकाशवाणी ने कह दिया कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा संत का नाम ही बता देते, लेकिन नहीं बताया। नारद जी ने अनेकों संतों से पूछा तो महाराज कोई जवाब नहीं दे पाया। जैसे कोई दिल्ली का बड़ा डॉक्टर आकर छोटे मोटे डॉक्टरों से पूछे भैया मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है उसकी दवाई दे दो, तो क्या सोचेंगे वो लोग छोटे डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर हमसे दवाई पूछ रहा है, बेचारे डर के मारे कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही जितने भी संत थे, मुखी भूता तदान्येष्टु क्लियं तत्तु पलायनाय, कोई तो मौन व्रत धारण करके बैठ गए। महाराज अभी हमारा मौन चल रहा है, बोलते नहीं। कुछ लोग वहां से भाग गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अरे नारद जी महाराज एक प्रश्न को पूछ रहे हैं, कौन जवाब दे दे, इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हैं। आज नारद जी ने सीधे आकर सनत कुमारों से पूछा भैया मेरा यही प्रश्न था, इसलिए मुझे चिंता थी, अब आप बताइए मैं क्या करूं जिससे कि ज्ञान वैराग्य का बढ़ापा दूर हो जाए। तो महाराज संत कुमारों ने कह दिया बस इतनी सी बात, अरे नारद जी आप श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करवाइए, उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने कहा मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया और मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भी वेदों का ही सार है, जब वेदों से नहीं हुआ तो इस सार से क्या होगा। तो सनत कुमार ने कहा भैया एक बात बताओ, जैसे कोई कहे कि जड़ में आम का फल कितना मीठा होता है, आम का फल मीठा होता है, और कोई कहे भैया आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ कितना मीठा होगा, इस पेड़ की जड़ कितनी मीठी होगी, तो मिठास मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो जो स्वाद फल में है वह फल में ही मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिल सकता। तो ये वेदों का सार है, इसलिए आप इसका आयोजन करवाइए। नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन आयोजन कहाँ होगा। तो बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतरकर हरिद्वार में कथा आयोजन करने का फैसला हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी संत हैं जो भगवान की समाधि में उत्तराखंड में बद्रीनाथ में विराजमान है, वो कथा श्रवण करना चाहें तो उत्तराखंड से थोड़ा नीचे उतर आएंगे, हरिद्वार तक आ जाएंगे, और हम आप लोग आराम से जाकर हरिद्वार तक कथा सुनने के लिए जा सकते हैं, इसीलिए हरिद्वार में कथा हुई। और दूसरी बात भी, हरिद्वार किसे कहते हैं, हरि का द्वार, भगवान का दरवाजा, और अपन सीधी भाषा में कहते हैं हरिद्वार, हर माने शंकर, हर हर महादेव, शंकर जी का द्वार। तो बोले भगवान का वह द्वार है, और भगवान के द्वार पर कथा होगी। जैसे हमारे घर में अंधेरा है, हमारा घर है, हमारे घर में अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है, और हमारे घर में एक ही दीपक है, अब उस दीपक को अपन कहां रखेंगे, दीपक को रखेंगे दहली पर। राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहत वो जिया, भीतर भी उजाला चाहते हो और बाहर भी उजाला चाहते हो तो दहली में दीपक को रख दो। ऐसे ही जो बद्रीनाथ में विराजमान संत हैं वो कथा सुनना चाहें तो थोड़ा नीचे उतर के आ जाएंगे हरिद्वार तक, और हम लोग चाहें तो हरिद्वार तक जा सकते हैं, वो हरि का द्वार है, इसी हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ गंगा किनारे।
एक संत ने कहा, बोले भैया कथाश्री हरिद्वार में हुई, क्योंकि हरिद्वार में हम उस हरि के दरवाजे पर जाकर बैठ जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपके दरवाजे पर बैठे हैं, दिल्ली पर सिर पटके तो कब तक भगवान नहीं पूछेंगे कौन है। मो मरिबे कोने में है तो मरियो हरि के द्वार, अरे कब हूं तो हरि पूछी है, अरे कौन पढ़ो है द्वार। कभी तो भगवान पूछ ही लेंगे कौन दरवाजे पर बैठा है। हरिद्वार में कथा हुई, महाराज संतों ने सुना कि हरिद्वार में कथा हो रही है। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई मंच पर बैठ गए कथा सुनाने के लिए। गंगा जी की बालू से ही मंच बना दिया। नारद जी बैठ गए सामने। अब महाराज कथा होने जा रही थी, संतों ने सुना, संत भी दौड़ दौड़ के आने लगे, कथा हो रही है चलो सुनते हैं। सारे तीर्थ आए महाराज। देखिए जहां भी भगवान की कथा होती है उस कथा में ये मत समझना कि हम लोग ही बैठे हैं, साक्षात वहां पर सारे तीर्थ किसी न किसी रूप में आकर विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज तो सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, हरि 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 हर सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित धरो, सूर हरि कथा होइत जहां, गंगा हू चलिया वे तहां, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासो तहां, सूर हरि कथा होइ नित जहां। महाराज बड़ी सुंदर कथा हुई। उस कथा में ज्ञान बैराग के लिए भी आसन लगा दिया गया। भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ आकर बैठी। जैसे कथा प्रारंभ हुई उस कथा में से भक्ति मैया अपने ज्ञान बैराग पुत्रों के साथ प्रकट हुई। दोनों पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो गया महाराज। सबने पूछा ये कहां से प्रकट हो गई, तो कहा, बोले भैया ये भागवत के अर्थ में से ही प्रकट हुई है। भक्ति सुतौ तो तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्मदन्ति। बड़ा सुंदर कीर्तन भक्ति मैया ने किया। भक्ति मैया ने पूछा, महाराज मैं कहां बैठूं, तो नारद जी ने कह दिया, जितने भी भक्त श्रोता बंधु यहां कथा श्रवण कर रहे हैं उन सब के हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि महाराज ठाकुर जी भी उसी हृदय में विराजमान होते हैं जिस हृदय में भक्ति मैया का निवास हो। अब महाराज तभी जब भक्ति मैया के पुत्रों के ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, तो यहां स्वर्णकाल कृष्ण ने प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात है ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, लेकिन इस कथा को सुनने के बाद कोई पापी भी तरता है। तो सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर इतिहास सुनाया। बोले महाराज आप कह रहे हो पापी, अरे जिसने पूरे जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया हो और पाप कर्म करते करते जो मर जाए, उसके मरने के बाद उसकी निमित्त भी कथा करा ली जाए तो महाराज उससे भी उसका मोक्ष हो जाता है।
स्वर्णकादि ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। तो बड़ा सुंदर यहाँ सुत जी महाराज ने सुनाया, अत्र ते कीर्तये श्यामि इतिहास पुरातन यस्सहस्रवण मात्रेण हरिषित्तं समाश्रये। महाराज एक गांव में एक पंडित जी रहते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिनका नाम था आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, भगवान का भजन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, लेकिन उनकी पत्नी उनके विपरीत थी। लोक वार्ता रता कूरा, झगड़ालू स्वभाव की। जब तक सुबह से शाम तक झगड़ा ना हो जाए उसका खाना नहीं पचता। और पति के सामने ऐसे सीधे बनती थी जैसे सती अनुसुईया के बाद इसका ही नंबर है। उन पंडित जी के घर पर केवल एक ही कष्ट था, उनके यहां पुत्र नहीं था। उनके घर में जो गाय है उसके भी कोई बछड़ा नहीं है। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ, एक दिन घर छोड़कर सीधे वन में चले गए। एक सरोवर के किनारे बैठकर रोने लगे। तभी वहां से एक संत जी निकले। संत जी ने देखा कि एक ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है और ब्राह्मण के मुख पर ब्रह्म तेज है, तो लगता है कि यह ब्राह्मण भगवान को पाने के लिए रो रहा है। संत ने कहा चलो जाकर इसका कुछ मार्गदर्शन करता हूं। संत जी जैसे ही पास आए, संत ने कहा रे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कथम रोदसि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि। क्या बात है ब्राह्मण, किस बात की चिंता है, क्यों रो रहे हो? बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। अपने दुख का कारण बताओ। उसने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट है नहीं, लेकिन कष्ट तो केवल एक ही है कि महाराज मेरे घर पुत्र नहीं है। संत ने कहा ये भगवान, हमने सोचा था कि भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। संत ने कहा भैया बेटा बेटी लेके क्या करेगा, अरे कम से कम अभी तुझे यही कष्ट है कि पुत्र नहीं है। जैसे पुत्र नहीं है ये कष्ट है, अगर हमारे घर पुत्र हो जाए और होकर मर जाए तो कुछ महीने तक कष्ट होगा, भैया हुआ तो था लेकिन मर गया, लेकिन कहीं होकर और पुत्र कुपुत्र निकल गया तो हमारा जिंदगी भर रुलाएगा। तो ब्राह्मण क्या करोगे, पुत्र लेकर त्याग दो ये इच्छा? अब तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आप क्या जानो गृहस्थी धर्म, गृहस्थी धर्म में जब छोटा सा बालक तोतली वाणी से पिताजी पिताजी कहता है तो कितना मीठा लगता है, आप नहीं समझोगे महाराज। किम ब्रमीमीर से दुःखं पूर्वापेन संचितं मदीयां पूर्वजास्तोयं कबोष्णामुपमुञ्जते। अरे मेरे जाने कितने जन्मों के पाप थे जिसलिए मेरे घर पुत्र नहीं हुआ, नहीं तो महाराज पुत्र हो जाता कितना अच्छा होता, तोतली भाषा मुझसे पापा कहता मेरी पीछे पीछे घूमता। संत जी ने बहुत समझाया ब्राह्मण तुम्हारी इच्छा ठीक नहीं है, पुत्र कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी नहीं माने। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणोगति विवेकम तुषमा साध्य
त्यज संसार वासन। तब संत जी ने कहा ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी मस्तक की रेखाएं पढ़ी हैं, तुम पुत्र चाहते हो, एक जन्म की छोड़ो ब्राह्मण, तुम्हारे यहां तो सात जन्म तक कोई पुत्र नहीं होने वाला। अब तो पंडित जी ने जोर जोर से अपना जमीन पे पटक दिया। संत जी कहता है ब्राह्मण रुक, क्या करता है, मर जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कही महाराज, मैं तो एक जन्म के दुख से मरने आया था और आपने तो मेरा दुख सात गुना बढ़ा दिया कि सात जन्म तक पुत्र नहीं है, अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है और मैं अब आपके सामने मरूंगा और महाराज आपको पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। संत ने कहा भैया हमें क्यों लगेगी। उन्होंने कहा महाराज, जब आप देने में सामर्थ्यवान हैं, उसके बाद मुझे पुत्र नहीं दे रहे, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। अरे महाराज जी, मैं भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूं, ज्ञान तो मुझे भी है लेकिन पुत्र चाहिए। संत ने कहा भैया तेरे भाग्य में नहीं है, मैं कहां से दूं। उसने कहा नहीं महाराज, जो न करे लकीर सो करे फकीर, आप कुछ भी कर सकते हो। संत ने कहा ठीक है, एक फल दे दिया, कह दिया जाओ पत्नी को खिला देना, नियम बता दिया। अब तो पंडित जी दौड़ कर आए, पत्नी से कहा, बोले देवी जी फल खा लो, तुम्हारे यहां पुत्र होगा। धुंधली ने कहा मेरे पंडित जी तो पागल हो गए, जाने किसने फल दे दिया बाबा ने, कौन सा मंत्र फूंका होगा, जाने कौन सा टोना टोटका किया होगा, कहीं फलों से पुत्र होते हैं। तो महाराज श्रीमती जी ने कह दिया महाराज आप रख दो, मैं खा लूंगी बाद में, खाया नहीं। पंडित जी चले गए, इधर तभी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा बहन धुंधली क्यों उदास बैठी है। उसने कहा बहन कहा बताऊं, पतिदेव ये फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं इस फल को खा ले पुत्र हो जाएगा। तो बहन तू बता कहीं फलों से पुत्र होते हैं। पड़ोसन ने कहा बहन एक बात बता, अरे इस फल से पुत्र नहीं होगा तो तुझे कष्ट क्या होगा, फल है नुकसान तो करेगा नहीं, फायदा ही करेगा। और अगर कहीं संत ने आशीर्वाद दिया होगा तो हो सकता है हो जाए। तो महाराज धुंधली कहती है अच्छा मैंने एक बात बता, जब फल खा लूंगी तो अगर कहीं पुत्र हुआ तो महाराज मेरा गर्भ बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा, भोजन कम हो जाएगा और भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी और मैं कमजोर हो जाऊंगी तो मां ये बता बहन फिर घर का कार्य कौन करेगा, इतना काम काज है। पड़ोसन ने कहा बहन क्यों परेशान है, अरे अपनी अपनी ननद को बुला लेना, ननद को वैसे बधाई देनी पड़ती है, इस बहाने एक छह महीने पहले बुला के तू काम करवा रहा फिर बधाई बने सुधे दे। उसने कहा अरे बहन ननद को नहीं बुलाऊंगी, क्यों, अरे ननद तो मेरी मां चोटी है, मैं खटिया में पड़ी रहूंगी, वो सबरव माल लेके भाग जाएगी, इसीलिए मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा अच्छा ठीक है, तू एक नौकर रख लेना, फल तो खा ले। तो पड़ोसन ने कहा बहन चलो, मैं धुंधली बोली मैं खा तो लूंगी, एक बात और बता, मैं फल खा लूंगी और घर का कामकाज भी नहीं करूंगी, लेकिन बहन कहीं भागना पड़ा तो मैं तो भाग नहीं पाऊंगा। अब पड़ोसन ने कहा तुझे कौन सी रेस में दौड़ने जाना है, कहां दौड़ने जा रही है तू। उसने कहा बहन दौड़ने नहीं जा रही, लेकिन कहीं गांव में आग लग गई तो डकैत आ गए तो। पड़ोसन ने कहा ये भगवान तेरी बुद्धि तू जाने, तुझे खाना है तो खा नहीं छोड़। पड़ोसन चली गई और थोड़ी देर बाद उसकी बहन आ गई और बहन यही चाहती थी कि इसके यहां पुत्र ना हो तो इसका माल ही मुझे मिल जाए। जैसे बहन आई, बहन ने कही अजी बहन काय उदास बैठी है। धुंधली ने कहा क्या बताऊं बहन, ये तेरे जीजा जी फल लाए हैं, कह रहे हैं इसको खा ले पुत्र हो जाएगा, तू बता बहन कहीं फलों से पुत्र होते। उसने कहा बहन तू बावरी है रही है, कहीं फलों से पुत्र होते हैं, कोई पुत्र नहीं होगा, तू ये काम कर, अब की बार मेरे पुत्र होगा उस पुत्र को चुपचाप मैं तुझे दे जाऊंगी,
तू मेरे पैसे पति को कुछ पैसे दे देना। तू जानती है मेरे घर में पुत्र बहुत है, छह पहले से साथ होने वाला है, और तू पति से कह देना कि मुझे फायदा हो रही है, पुत्र होने वाला है, बाद मुझे बुला लेना दूध पिलाने के लिए, कोई बहाना बना। और बोले इस फल को अपनी गैया को पिला दे, गाय को, क्योंकि उसके भी पुत्र नहीं है। महाराज उस फल को ले जाकर उस गाय को खिला दिया, और जैसे उसकी बहन के पुत्र हुआ, रात में लाकर दे दिया, कह दिया महाराज पुत्र हो गया। पंडित जी ने बढ़िया सुंदर जातकर्म संस्कार कराया, उत्सव मनाया, और जो फल थे, जो फल गाय को खिलाया था, ठीक एक महीने बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मानव का था, केवल गाय कान ही गाय जैसे थे, कान गाय जैसे थे महाराज। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब तो गांव वाले कहने लगे वाह पंडित जी का भाग, पहले एक पुत्र नहीं था, अब तो गाय ने भी बेटा दे दिया। पंडित जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर नामकरण कराया, उस गाय के पुत्र के जो कान थे वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अपने पुत्र का नाम रखना चाहते थे परमात्मा देव। धुंधली ने कहा बोले नहीं, 9 महीने पेट में मैंने रखा है, पुत्र का नाम मैं रखूंगी। पंडित जी ने कहा रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब तो महाराज धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी बने और धुंधकारी भयंकर दुष्ट बन गए। अपने महाराज वो धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा। एक दिन अपने पिता को मारने के लिए दौड़ा, आत्मदेव जी सीधे गए गोकर्ण जी के पास, और गोकर्ण जी ने उन्हें देखा। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी है? तो महाराज आत्मदेव जी ने कहा, क्वतिष्ठामि क्वगच्छामि कोमो दुःखं व्यपोहे, मैं कहां चला जाऊं, ये पुत्र बड़ा दुष्ट है, मुझे मारता है, झगड़ा करता है, गता प्राणास्तजामि दुःखेन आकष्टं मम काष्टकम्। बोले मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा आज। तो गोकर्ण जी ने कहा, बोले पिताजी आप प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हैं? देखिए जब पुत्र नहीं था तब भी प्राण त्याग करना चाहते थे, लेकिन संत ने समझाया, माने नहीं। हम लोग भी ऐसे थे, हम लोग घर को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। हाय हमारे खूब भगवान के पास जाएंगे, हे बिहारी जी एक बेटा दे दे, हे बिहारी जी एक नाती दे दे, खूब अर्जी लगाएंगे, लेकिन घर को नहीं छोड़ना चाहते। भगवान कहते हैं तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे तरीके से छुड़वाऊंगा। फिर महाराज भगवान ऐसा पुत्र देता है, ऐसा नाती देता है कि डंडा देता है फिर पीछे से भागो यहां, पर अपने आप घर छोड़ना पड़ता है। आज गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, और उस दिन वो संत समझा रहे थे, क्या करोगे पुत्र लेकर, भगवान को पुत्र मान लो। देखिए सबसे पहली बात होती है परमात्मा से संबंध बनाना। आप चाहे वहां की बिहारी लाल जी को अपना पुत्र बना लो, वो उस भाव से भी आपकी सेवा करेगा, उस भाव से आपसे मिलेगा। चाहे आप ठाकुर जी को अपना पिता बना लो, भाई बना लो, मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, जिस भाव से आप उसे भजोगे वो उसी भाव से आपको प्राप्त होगा। यहां गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी आप आज प्राण त्याग करने जा रहे हैं, बात क्या है, क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा, बोले मैं बड़ा दुखी हूं। तो उन्होंने कह दिया, पिताजी संसार में सुखी कौन है? पिताजी संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, सब दुखी हैं।
दीन कहे धनवान सुखी। वो गरीब है ना, वो कहता है पैसे वाले सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारे कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। कोई सुखी नहीं है पिताजी संसार में। एक बार लोहा और सोना दोनों का मिलना हुआ, तो लोहे ने सोने ने लोहे से पूछा, भैया एक बात बता, पिटाई तेरी भी होती है? सोना जब बनता है ना उसकी खूब टुकाई पिटाई होती है। पिटाई मेरी भी होती है, पिटाई तेरी भी होती है, सोना कह रहा है लोहे से। लेकिन जब मैं पिटता हूं तो एक कमरे में टुकाई पिटाई होती रहे, बाहर आवाज भी नहीं जाती। और लोहे से पूछा, भैया लोहा तू जब ठुकता पिटता है तो तू इस मोहल्ले में ठुकरा होगा, अगले मोहल्ले में आवाज आ जाएगी, तू क्यों चिल्लाता है? सोने ने पूछा लोहे से, तू इतना क्यों चिल्लाता है? तेरी आवाज बहुत ज्यादा गूंजती है, क्योंकि मार मुझ में पड़ती है, मार तुझ में भी पड़ती है। तो लोहे ने कहा सोने से, भैया सोना सुन, तू है सोना, तू ठुकता पिटता है लोहे से। महाराज ये पांच पंचों की धर्मशाला है, इसे तो महाराज पांच पंचों की धर्मशाला में रहना कब तक है? देखिए हमारा जीवन कैसा है। ये जीवन है ट्रेन के सफर की तरह। सफर कैसे? हमको ग्वालियर से आना है श्रीधाम वृंदावन। हमने टिकट कटाया, स्टेशन पर पहुंच गए, जैसे ही ट्रेन आई हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में चढ़ गए। ध्यान देना, बड़े समझने की बात है। ट्रेन वहां से चली, आगे आया मुरैना। मुरैना पर एक यात्री उतर गया, सामने बैठा था सीट से, दूसरा चढ़ गया और आगे चली। धौलपुर पे आकर एक उतर गया उनमें से, एक और वहां से चढ़ के उस सीट पे बैठ गया। आगरा में एक उतरा, फिर चढ़ा, चलता रहता है। अब महाराज उसमें कुछ अच्छे यात्री मिल जाते हैं तो बढ़िया बातें करते करते सफर कट जाता है यहाँ तक, और कुछ मिल जाए खतरनाक वाले तो पूरी रास्ता झगड़ा ही होता रहे। ये होता है ट्रेन। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हमने जन्म लिया हम ग्वालियर स्टेशन पहुंच गए, हमारी गाड़ी चालू हो गई। हमने जन्म लिया और जन्म लेते ही सामने यात्री बैठे हैं, उनसे परिचय हुआ। कुछ समय बाद ये हमारे पिताजी हैं, हमारी माता हैं, ये दादी हैं, दादाजी हैं, ये चाची हैं, चाचा हैं, सबसे परिचय हुआ। अच्छा सफर कट रहा है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों से झगड़ा भी चल रहा है जीवन में। आगे बड़े स्टेशन आया दादाजी का, दादाजी उतर गए, गोविंदाय नमो नमः हो गई। और महाराज तब तक हम बड़े हो गए थे, हमारी श्रीमती जी आगे चढ़ गई ट्रेन में, हमारे जीवन की गाड़ी की ट्रेन में वो चढ़ गए। आगे चले, दादी का स्टेशन आ गया, वो चली गई, तब तक बच्चे हो गए, दूसरा स्टेशन आ गया। तो इस जीवन की गाड़ी में से एक यात्री उतरता है, दूसरा यात्री चढ़ जाता है। हम ममता करते हैं अपने इस शरीर के जो नातेदार हैं, शरीर के जो रिश्ते हैं उनमें ममता करते हैं, लेकिन ये कब तक हैं? जब तक इनका स्टेशन नहीं आया तब तक ही हमारे साथ है। जब स्टेशन आ जाएगा ये हमको छोड़ कर उतर जाएगा, और एक दिन हमारा स्टेशन आ जाएगा तो हमको भी उतरना है इस गाड़ी से, ये गाड़ी से हमको भी उतरना है, स्टेशन आ जाएगा।
लेकिन अच्छा यात्री वही है, स्टेशन आने से पहले वही अपना सामान संवार के रख लोगे, उतरना है। अगर आप लोग खड़े खड़े इंतजार करोगे, अभी नहीं भैया, थोड़ा दो चार मिनट और बातें कर लो, जब अपनी सीट खाली नहीं करोगे तो फिर काले कोट वाला टीटी आएगा, धक्का दे के बाहर निकालेगा, चलो टिकट खत्म हो गया तुम्हारा, यम की दूत आ जाएगा। तो बोले पिताजी इस शरीर से अहमता को छोड़ दो, ये शरीर पंचायती धर्मशाला है, जितने भी इसके रिश्ते हैं वो सब कुछ क्षण के लिए हैं। और बोले पिताजी इनमें जो ममता रूपी रस्सी बंधी है उसको काट दो, हमारा ये मानव शरीर कुछ क्षण के लिए है, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिरी की सुच सी चल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, बजले हरि नाम हरि रसना, प्रियंत समय पे हिली न हिली। बोले पिताजी सब कुछ त्याग करके आप भगवान का भजन करें। महाराज आत्मदेव जी गए और यमुना किनारे बैठकर दसम स्कंद का पाठ करते हुए भागवत जी का उन्होंने अपना मोक्ष कर लिया। अब धुंधकारी ने अपनी माँ को डंडा लेके मारने दौड़ा, माँ भी गई और रात में कुएं में गिर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ के लिए चले गए, धुंधकारी पांच वैश्याओं को ले आया, चोरी करता है, डकैती डालता है, महाराज मदरा पान करता है। एक दिन रात्रि में वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम लेगा कि धन इनके पास है, इसलिए उन्होंने उसको रात में हटिया से बांध कर उसके मुंह में जलती हुई अंगारे डालकर उसे मार दिया और वहीं जमीन में गाड़ के चली गई। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी ने उनका पिंडदान किया। कुछ समय बाद गोकर्ण जी लौट कर आए, उसी घर में जगह साफ करके लेटे थे तो उन्होंने देखा कभी भीड़ आ जाती है सामने से, कभी ऊंट आ जाता है, कभी हाथी आ जाता है, कभी कोई छोटा बच्चा रोने लग जाता है। उन्होंने कहा भैया कौन हो, लेकिन कुछ आवाज नहीं आई। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जैसे छींटे मारे एक वहां प्रेत खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोला भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और आप मेरा मोक्ष कीजिए। तो यहां गोकर्ण जी महाराज ने कहा अभी आप जाओ, सुबह को कुछ उपाय करूंगा। सुबह सूर्य से पूछा, सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराइए। महाराज भागवत की कथा का आयोजन हुआ आषाढ़ मास में, सात एक बगल में बांस था, उस बांस में आकर धुंधकारी प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, उस कथा को सुनने के बाद पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा सुनने के बाद दूसरी गांठ फट गई, ऐसे ही सात दिन कथा सुनने के बाद बांस की सातों गांठ फट गई और वो एक दिव्य रूप धर के प्रकट हो गया। जैसे ही भगवान के धाम को जाने लगा अभिमान में बैठकर, तब गोकर्ण जी ने महाराज ने कहा बोले भैया इन सबने कथा सुनी लेकिन सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणश्च विभेदेन, कोई कथा सुनता है धन प्राप्त करने के लिए, कोई कथा सुनता है अच्छा बिजनेस चलाने के लिए, कोई बेटा पाने के लिए कथा करवाता है, कोई किसी कामना से कथा करवाता है। तो महाराज
ये कथा कल्पवृक्ष है, जो जैसा चाहता है उसे वैसा ही देता है। ये भागवत पुराण जिसकी जो कामना है उस कामनाओं की पूर्ति करता है। तो यहां जितने श्रोता बैठे थे सबने कथा जरूर सुनी लेकिन मन लगाकर नहीं सुनी, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। और धुंधकारी अपना मुच चाहता था इसलिए मुझका मुच हो गया। दोबारा कथा हुई, अब की बार में महाराज सारे श्रोताओं के लिए विमान आए, सभी भगवान के धाम को चले गए। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सोनकादित्यों ने पूछा, महाराज ये बताइए कथा के नियम क्या है। सूत जी ने कहा, सबसे पहले ब्राह्मण से जाकर बढ़िया मुहूर्त बनवाना चाहिए। तभी पूछ लिया, महाराज एक बात बताइए, कथा में पैसा कितना खर्च होता है, धन कितना लगता है। तो सूत जी महाराज ने कह दिया, विवाहे यात्र संदिग्धम तादृशम परिकल्पये। जितना खर्च हम अपनी बिटिया के विवाह में करते हैं अपनी सामर्थ्य से, उतना ही खर्च भागवत में होता है। अब कोई तो विवाह 1 लाख में कर लेता है अपनी बिटिया का, अपनी ऐश्वर्य, और कोई 10 लाख में करता है, कोई 1 करोड़ में करता है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना ही भव्य श्रीमद् भागवत की कथा को कराना चाहिए। उसमें जो भी उत्सव आते हैं, भगवान का जन्म है, जन्मोत्सव है, और महाराज रुक्मणी मंगल है, उनको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बोले महाराज एक बात बताइए, कथा को सुने तो, लेकिन उसके लिए नियम क्या है, क्या खाकर कथा सुने। तो कहा, भैया सबसे पहले है घृतपान, 7 दिन तक केवल घी पीकर कथा सुननी चाहिए। घी पीकर तब तक हमारा, किसी ने कह दिया प्रभु डॉक्टर ने मना किया है, छुपड़ी रोटी भी नहीं खा सकते, आप कह रहे हो घी पीकर कथा खाएंगे सुने। तो उन्होंने कहा, पयापान, दूध पीकर कथा सुनो। फिर कहा, महाराज दूध भी नहीं पी सकते क्योंकि भूख भी रह नहीं सकते। तो कहा, बोले भैया भोजनम तुम परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, दिन में भले 4 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। भोजन के लिए इसलिए मना किया क्योंकि कथा सुनते सुनते आपको कहीं आलस आ जाए, कथा ना सुन पाए, मन न लगे, इसीलिए भोजन के लिए मना किया। और अगर आपका मन लग रहा है तो खूब भोजन करो लेकिन कथा सुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को यहीं विश्राम करते हैं। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से कथा को श्रवण करेंगे, एक सुंदर भजन और आरती प्रसाद लेकर आप लोग प्रस्थान करेंगे। देखिए आज पहला दिन था, कथा देरी से प्रारंभ हुई, देरी भी हो गई, 1 घंटा लेट है। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जितना दिया मेरे मोहन ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मोहन ने मुझको उतनी मेरी औकात, वो ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वो तू मेरा यार है,
मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
उठो, खड़े हो जाओ आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Oh,